जल शक्ति डिवीजन हमीरपुर को अब तक बरसात की वजह से 1,32,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। बरसात की बारिश की वजह से खड्ड नालों से आए फ्लड की वजह से पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। जल शक्ति विभाग ने प्रभावित हुई पेयजल योजनाओं की मरम्मत करवाने के बाद आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू कर दी है। बरसात की बारिश से जल शक्ति डिवीजन हमीरपुर की 23 पेयजल परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा था। कई योजनाओं के सोर्स में गंदा पानी सिल्ट के साथ पहुंच गया, जिसके कारण मशीनरी ने काम करना बंद कर दिया। कई खड्ड नालों से पेयजल पाइपों को निकाला गया है, क्योंकि फ्लड की वजह से वो टूट गई थी। हालांकि बरसात में अब तक कम नुकसान पहुंचा है, पिछले साल 2023 में बरसात की वजह से और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। 5 अगस्त 2024 तक हमारी 2 अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम में डिस्टर्ब हुई और 21 नंबर जो है वो रूरल वाटर सप्लाई स्कीम में डिस्टर्ब हुई थी। सारी रिस्टोर कर दी है, उनमें लगभग 132,00,000 का जल शक्ति विभाग का नुकसान हुआ है। फिलहाल स्कीमें रिस्टोर कर दी हैं, लोगों को पेयजल जो है सुचारू रूप से दिया जा रहा है। बरसात के सीजन में जो जितने भी फील्ड कर्मचारी हैं हमारे, इनकी सबकी छुट्टियां रद्द कर दी हैं और विभाग जो है बहुत क्लोजली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है।